हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। रेवाड़ी के बावल गांव में सड़कें जर्जर हैं, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने भी इसे ठीक कराने के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक उस आदेश का प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ। ये राह नहीं आसान, टूटी सड़क मुश्किल डगर, हादसों का बना रहता है डर, मिला आश्वासन नहीं मिला समाधान। मंडल बावल के गांव की सड़कें इन दिनों पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन के चलते दिल्ली जयपुर हाईवे जाम होने की वजह से पुलिस ने रूट डायवर्ट किया था, लेकिन वाहनों को ज्यादा घूम कर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से लोगों ने गांव की सड़कों से होकर गुजरना शुरू कर दिया। भारी वाहनों के गुजरने से गांव से हाईवे की तरफ जाने वाली सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन हादसे होने का अंदेशा भी बना रहता है। टूटी सड़कों को लेकर लोगों ने कई बार रोड भी जाम किया। इसको देखते हुए सड़कों को ठीक करने के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन सरकारी आदेशों के बाद भी प्रशासन ने अभी तक सड़क को ठीक नहीं करवाया है, जिसको लेकर अब विपक्ष ने भी सरकार और प्रशासन पर हमले तेज कर दिए हैं। चलो इसका अभी बारिश से पहले पैच वर्क करेंगे, लेकिन देखते बारिश के बाद इसको दोबारा से शुरू करवाएंगे और बात करेंगे। रविंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते में जो सड़कें ये जो कुल मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर का पैच था, उसको एक हफ्ते में ठीक करो। आज तक वो पैच वैसा का वैसा पड़ा हुआ, उसको ठीक नहीं किया। आपका महाराणा प्रताप चौक है, बावल रोड है, आपका जितने भी अंडर पासेस हैं, सब में हालत खराब हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर इस तरीके से अगर एक केंद्रीय मंत्री की बात का भी अगर ये ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो क्या सरकार रहेगी और क्या केंद्रीय मंत्री, जिसको मतलब उनकी ज्यादा चलती नहीं है। और राजकुमार स्थानीय निवासी हमारे साथ इस पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, ये जानना चाहेंगे जिस तरह से ये सड़कें हैं काफी खस्ता हाल है, क्या इसको लेकर आप लोगों ने मांग उठाई, और मांग उठाई तो आपने कहां कहां अपनी बात रखी, और बात रखी तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? जी, किसान आंदोलन लिए 7 हफ्ते हो गए हैं, जो हमने लगातार रोड यहाँ डाइवर्ट किया हुआ है, तो यहाँ की रोड की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि रोड आए दिन बड़े हादसों पे रहते हैं। इसकी हमने 6 हफ्ते जिला प्रशासन को की, और जबकि प्रशासन को करने के बावजूद भी प्रशासन के कान में जो नहीं रहेंगे, और आज तक ये रोड की हालत खस्ता और हरदम एक्सीडेंट बने रहते हैं। एक्सीडेंट के हालात यहाँ बने रहते हैं। सड़कें देखकर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर गड्ढे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। ऐसे में आप लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना होता है, जब खास करके इधर से जब आप गुजरते हैं, या फिर कई बार ऐसे हालात होते हैं जब कोई घर में बीमार हो जाता है, उनको ले जाना होता है, और सड़कें इस तरह की होती हैं, तो कितनी परेशानी होती है? यहाँ पे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो ग्रामीण हमारे गांव में बीमार हो जाता है तो उसको ले जाना हॉस्पिटल बहुत ही मुश्किल होती है, क्यों खड्डों की वजह से बहुत ही ज्यादा हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि प्रशासन इनको सुनने में असमर्थ है। ये जो सड़क है राजकुमार, ये सड़क हाईवे को जाती है, ये गांव की सड़क है, और इस पर इतने भारी भारी वाहन आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सड़कों की हालत जो है वो खस्ता होगी, लेकिन क्या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप लोगों ने संपर्क किया? जी, स्थानीय जनप्रतिनिधि हमने उनसे भी संपर्क करा, उनको भी इस बात से अवगत करवाया, उन्होंने भी जिला प्रशासन को इसके बारे में कहा, और जबकि हमारे केंद्रीय मंत्री रविंद्रजीत सिंह भी इसके बारे में मामले कह चुके हैं कि प्रशासन को जल्द से जल्द सही करवाया जाए, जबकि प्रशासन के कान में आज तक कोई जो नहीं रहेंगी। जब राव इंद्रजीत सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जब एक हफ्ते में इसे कहा था ठीक करने के लिए, तो प्रशासन ऐसा लापरवाही क्यों कर रहा है? क्या ये आप लोगों ने जाके ये जवाब लेने की कोशिश की प्रशासन से, जिनके पास आप लोग गुहार लेके गए थे? जी हाँ, रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव भी लगातार संपर्क में है, और प्रशासन उनका जब तक उनके फोन भी नहीं उठाते हैं, और जब विधायक का ही फोन नहीं उठाते तो हमारा क्या वो सुनेंगे? तो ये मनमानी क्यों कर रहे हैं अधिकारी? ये पता नहीं क्यों मनमानी कर रहे हैं, कैसे क्यों कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि उनका भी इस मामले को लेकर कोई सड़क एक हफ्ते का टाइम दिया था, उसको भी लेकर काफी समय हो गया, आज तक कोई सड़क की रिपेयरिंग वगैरह कोई नहीं काम शुरू करवाया गया।
ठीक है राजकुमार, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता प्रेम कुमार भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, जिस तरह से अभी हम स्थानीय निवासी से वहां बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम समस्या को लेकर प्रशासन के पास जाते हैं, केंद्रीय मंत्री ने भी इसे एक हफ्ते में ठीक कराने के लिए कहा था, बावजूद उसके एक महीने से ज्यादा का समय बीत गया और अब तक जो सड़कें हैं वो ठीक नहीं हो पाई हैं और उनका रवैया ऐसा है जो स्थानीय जो प्रशासक हैं वो फोन तक नहीं उठाते हैं, विधायक का फोन नहीं उठाते हैं, तो अब ऐसे में कैसे समस्या का समाधान होगा? आपको बताना चाहूंगा उनको तीन जगह चिन्हित कर विभिन्न पार्को से निकलना चाहता था, लेकिन मार्ग काफी लंबे वहां है, ये कुछ पते नहीं गुजर रहे और उन्होंने रिवाइज ऐसे में जो गांव की जो सड़कें थी जो लिंक रोड थे वो पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में हो गए, यहाँ तक इन्हें गांव के बाद नाम मात्र की भी जो है सड़कें नहीं बची, वहाँ सिर्फ अगर देखा जाए तो वहाँ सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं, आम वहाँ कई कई किलोमीटर तक का जाम लग जाता है, ऐसे में आम लोगों का वहां निकलना, ग्रामीणों तो अपने गांव से बाहर आना ही दुर्भर हो गया है, यहाँ दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है, लगातार यहाँ जाम बना रहता है, लेकिन 7 माह बीतने के बावजूद भी प्रशासन की कानों में जू तक नहीं रहेगी। अगर बात करें तो यह मामला काफी जो सुर्खियों में होने के बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी किए थे, जिला प्रशासन को आदेश दिए थे कि 7 दिन के अंदर अंदर सभी रोड को दुरुस्त कर दिया जाए, लेकिन 7 दिन की तो छोड़िए 1 माह से अधिक समय बीतने के बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक उनके आदेशों पर अमल करना शुरू नहीं किया है। ये तो सिर्फ अगर बात करें तो रिवाड़ी शहर की, रिवाड़ी शहर में भी जो वाहन रिवाड़ी शहर से गुजर के नेशनल हाईवे पर 8 पर भी जा रहे हैं तो गाँव के साथ साथ जो शहर के भी हालात इसी कदर बने हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बात को जो है अभी तक अमल में नहीं ला पाया, हालांकि अभी जो है उपायुक्त ने अधिकारियों की बैठक ली है और लेने के बाद जो अभी तक जो चीजें बाहर आ रही है उस पर भी कहा गया है कि जल्दी इन जो है रोडों की मरम्मत कर दी जाएगी, लेकिन आपको बताना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आदेशों को भी 1 माह बीतने को हो गया लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनके आदेशों पर अमल नहीं किया जी। लेकिन प्रशासन क्यों मनमानी कर रहा है प्रेम? अगर बात करें तो इससे साबित होता है कि जो यहाँ के जो प्रतिनिधि है बेशक वो विपक्ष के हैं लेकिन उन्होंने जब राविंद्रजीत सिंह के आदेशों के बाद भी जब काम करना नहीं शुरू किया तो उन्होंने इसके लिए बकायदा जो उपायुक्त है उनको फोन किया, उसके बाद उनका फोन का रिसीव नहीं किया। ठीक है प्रेम, हमारे साथ बने रहिए। रेवाड़ी के विधायक चिरंजीवी राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिरंजीवी जी स्वागत है आपका। धन्यवाद खालिद जी। लेकिन सर हम अभी जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो सड़कों की ये जो हालत है इतनी बुरी है कि यहाँ पर अभी तो सर बारिश से पहले ये हालत है, अब जब मानसून यहाँ पहुंच जाएगा जब बारिश होने लगेगी तो यहाँ से लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाएगा। राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इसको लेकर प्रशासन को आदेश भी दिया कि जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक कराया जाए, 1 हफ्ते के बजाय 1 महीना बीत गया और कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए इससे क्या पता चलता है कि कितना कमजोर नेतृत्व हमारा है, जो सांसद हमने चुन के भेजा है, जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने 17 तारीख को आदेश दिए थे कि अगले 1 हफ्ते के अंदर ये सारे जो 4 रोड हैं उनका निर्माण पूरा हो जाना चाहिए, पर आज 1 महीना बीत चुका है पर उन निर्देशों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप खुद देखिए जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं उनके अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि केंद्रीय मंत्री का आदेश है कि 1 हफ्ते में इस काम को पूरा करना है, पर 1 महीना बीत चुका है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं लगातार संपर्क साधना चाह रहा हूं हमारे उपायुक्त महोदय से पर वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। अब कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि कितनी लचर व्यवस्था हमारे प्रशासन की है, कितनी पकड़ अफसरशाही कितनी हावी हो चुकी है सरकार के ऊपर, ये आप सबके सामने है। मैंने तो अभी 1 घंटा पहले इसके ऊपर ट्वीट भी किया है, मैंने उसके अंदर दुख जाहिर किया है कि कितने मेरे को तो बड़ा शर्म आई कि हमारे एक सांसद की एक केंद्रीय मंत्री की जिसने आदेश पारित किए थे उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम तो विपक्ष में हैं
इस वजह से शायद हो सकता है हमारा वो फोन ना उठा पाते हो, पर वो तो लगातार संपर्क में रहते हैं, उनके आदेशों को पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सख्त कदम उनको उठाना चाहिए। और ऐसे लेकिन 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 अधिकारियों के ऊपर सर ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ से वाहन गुजरना मुश्किल है, मोटरसाइकिल से जो आम आदमी जा रहा है उसको कितनी परेशानी हो रही है, अगर बारिश के समय यहाँ पर मैं आपको ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ना, मैंने अभी 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है स्पेशली ऑन दिस इशू कि जो डिप्टी कमिश्नर है वो पिछले 1 महीने से मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, उनको मैं SMS डाल चुका हूँ कि भाई वो इस चीज के ऊपर ध्यान दे। ठीक है, क्या इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे? मैं उठाऊंगा, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग के लिए बहुत जल्द स्पीकर से मिलने वाला हूं, मैं मुख्यमंत्री जी से ही मिलूंगा कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि एक जन हम तो सर उठा ही रहे हैं, तभी तो आपको जोड़े हैं सर, उठा रहे हैं, मुद्दा बराबर दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं वहां की स्थिति। अगर अगर एक उपायुक्त जनप्रतिनिधि के फोन नहीं उठाते तो आप अपने भली बात ही समझ सकते होंगे कि आम लोगों के साथ क्या हालात होंगे। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम भरद्वाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से रेवाड़ी की ये सड़कों की हालत हमने दिखाई, यहां पर केंद्रीय मंत्री के निर्देश के बाद भी कि 1 हफ्ते में सड़क बन जाएगी, 1 महीने बाद भी कुछ भी नहीं हुआ है, ढाक के 3 पात है। आप तस्वीरों में देख सकते थे कि कैसे वहां से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रशासन जो है वो स्थानीय विधायक का फोन क्यों नहीं इस मामले पर उठा रहे हैं, आखिर क्या वजह है? फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।